आत्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था, और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, ओली ये फागर आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ खाओ एक दूसरे मुँह पर फर्र, किसी को पिचकारी मारे, कोई गांव में तो और सिस्टम है, एक कोरडा बना लेते हैं कंटर सा, वो मारे एक दूसरे का है, और लाल लाल मुँह कर रखे बंदर कैसे सारे, कोई गारिया में पड़ा है, कोई गुटी लाए नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें कोई हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। आज हम खुशी मना रहे हैं, एक मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे इससे हमारा बचाव बनेगा, और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं, वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊँ। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था, इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टके थे, वो क्या ले गया साथ में। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सफ़ेद गुम्बद के अंदर, गुम्बद उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बद में उसका, यही आप रिदास जी कह रहे हैं गुम्बद, गगन मंडल में गुम्बद है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत धजा फर्रावे राम रंग होरी हो, उसके ऊपर सफ़ेद धजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं, नाभि कमल बर्मा भये रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो, त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो, चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूर अम्ब राम रंग होरी हो,
ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में भंवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूं रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुणी रंग होरी हो, चतुर मूड अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख चौरासी जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज उद्बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गिरिदास साहिब जी के ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री ब्रह्मा विष्णु कृष्ण जी शंकर भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। सुन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते सुन सरोवर में यानी ऊपर सुन शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सब सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं, सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं। और दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक राम रंग होरी, यानी उसी से खेलने बात बनेगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा, इसका कहने का तात्पर्य। आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्यौहार होली, इसका इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसके उसकी पूजा कर रहा है, उसके होली खेल रहा है, कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी से और कोई भैरव भूत बेतालों से,
कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उस तय खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते बहुत दिन हो गए, ये भी नाशवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तू ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा, अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होता। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीब दास की आंखों देखा क्या बता रहे हैं, सवेत गुमट सर से हेरा रंग होरी हो, सफेद गुमट और सर पर सेरा, जैसे दुल्हा का सेरे होया करें मुकुट है मालिक का, श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो और जलके किरण अनंत राम रंग होरी हो, सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटके पपील राम रंग होरी हो, कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावे, क्या युक्ति है उसके पाने की, उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्माओं ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं, तो सतगुरु के कहने से फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो वह के हरि कब हो, सिंह की खाल उड़ाए, यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल उतार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के, वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वायु कौन आ गया, पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी शेर है, वायु सारे डांक ठोक दी भाग गए गांव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुमार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुमार की जालसाजी है। उसने कहा वो शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गाँव वाले बोले वह कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझाया बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी उतरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई, वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उन्हें।
और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो, तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा खेती, फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने भरे सुर अपने लागे हर हर कर हो, तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकी कोकू की, वो भी ला गया वहां से हुचू हुचू करता हो उड़े आ गया, और वह खाल खोल उतरगी पड़गी कितना हो, उन्हें भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि जो प्रतीक सागी गद आए है, नीचे उतर का आया, नो बोला यो रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गदा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वे इतने या केस सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तोड़ा इसकी खातर, बुस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी मुचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी मुचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनि घर आसन करो रंग होरी हो, उपावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में पैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोवे राम रंग होरी हो, त्रिकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को भय रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ऐ नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी बूचरी खेचरी उनमनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जप राम रंग होरी हो, अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेश राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उस श्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरोवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंते राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उस श्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तेर बैणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो,
पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये बावन अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रह सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र ली जिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो, वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, सोहम ऊपर ओर है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। यहाँ कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमन्य प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुज ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमन करता हुआ श्री छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा, ये ब्रह्म की का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्व भाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में, और फिर 15वें अध्याय के 1-4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाणी का, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का मंत्र बताया है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म,
सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्परम पुरुषोत्तम, के हे कृष्ण वो कौन है, फिर तत्परम बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, अंडरस्टूड है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा थी उदारते, ये लोग तेरे में आविश से विवृति अवेश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रा सर्वपुरुष अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय का, और वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया है। अपुण्यात्मा हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में परमेश्वर के उस परम पद में जाने का जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है, ये ओम तत् सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का सर्वपुरुष का इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरण व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। इब हमने किसी का कर्जा ले रहा, खैर कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, अगले भाई छोड़ इसको मैं ले जाता हूँ, वहाँ मजदूरी करें, तेरे वहाँ बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम दिवा के ले बेटा कराड़े बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो आप पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को ब्रह्म के जाप को ब्रह्म लोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञों करते थे ये भी यही उसी ब्रह्म लोक में खा लेते थे देवता बन के। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञान दाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अरे इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया, और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई उसका अर्थ कोई कम कर दे आना कर दे,
कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ कर अनुवाद करता उसका अर्थ आना करता है तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रहा क्या, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां तो ये लिख गए गच्छ माने जा, इसका सब न बेरा था गच्छ माने जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है, अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बठा बठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कह, मैं तो आपकी शरण में हूँ और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कार्यता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात, अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूँ आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा यानी जची, अरे 18 में जाए कि 62 में श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है, इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें वर्ज माने आना लिख रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता। आपको शब्द कोश दिखाता हूं, संस्कृत हिंदी कोश, ये कौन है इसका संग्रहकर्ता, वामन शिवराम आपटे, और ये यहां से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहां पर है वर्ज, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी एक का कुएं की बांग पी रखी नहीं। देखो श्री सुधांशु जी आचार्य श्रीमद् भगवद गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जी ब्लॉक मान सरोवर गार्डन दिल्ली, यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं मुद्रक के।
ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्वे धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे व्योमोक्षामि मा सुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। अरब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्री मद भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति दो बटावारा पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो सटेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखे, तीन तीन चार चार इकट्ठे के सीट रखे, ये सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय और यहाँ पर है सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा सुच। ये तीन चार का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पर, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपुण आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म बिना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मतलब सही लिख रहे हैं और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्री मद भगवत गीता यथा रूप और कहां से छपी है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोले हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती हैं। यह देखना, ये आपको सुना दिया द्वारा, किसके द्वारा अनुवादित है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी लॉस एंजल्स लंदन स्टॉकहोम सिडनी हांगकांग मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66, ये यहाँ से शुरू होता है। सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा सुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, हरदे कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ, सर्व धर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परितज माने त्याग कर, परितज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, अवरज माने जाओ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई, वरज माने जाना और मेरी शरण में जाओगे, अब अर्थ क्या है। अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना
और यहां घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या इसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवडे गीता या अरे एक घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता दास आपके समक्ष कराया रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी साधक संजीवनी। और इस 18वें जाके 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसके ना समझवाने से इसको उल्ट सोड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 प्रश्न पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी, इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला अनरथ करके, देखिएगा ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास, श्री राम सुखदास है। इसके अनुवादकर्ता तो बड़े महापुरुष माने जाते हैं, और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा हे भगवान। कबीर ये माया अटपटीक सब गट आनड़ी, किसकी से न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा सुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस वर्ज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहां से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं अखबार के से समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक है देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई, और चौड़ाई देखो, ये देखो तेरा गजब, ये वो तेरा भला ये भगवान यहाँ पर आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता, और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, वो तेरा गजब हो 1217 पर यहाँ तक ये चल रहा है। 18वें जाएगा 66वां श्लोक, ये यशोधा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोधा मैया किता है इसमें मूर्ख बना रहे, ये मारे बना गए यशोधा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, है ये कोई मंत्र? ये कहाँ से लाइए? शास्त्र में गीता का मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो ना उनकी गति हो ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए करते हो करते हो की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए ना तो बिरान मट्टी हो जाएगी। अरे ये सारे इस्तेमाल करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो ये है इसके राइटर अनुवादकर्ता, ये हिंदी पॉकेट बुक्स से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ ने देखेंगे, ये देखो सर्व 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरण व्रज, सब कर्तव्य को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूँ आपको, एक नया इंजीनियर पा क्या था इस गीता के अनुवाद में, ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन किसा नाश करा देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक।
भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर, और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा है दिखाऊं, इसने क्या लिखा है प्राकथन में गैर पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताला पड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तरह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों के महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहाँ लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है अपितु वह है इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिरकी सी होती है, उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये इन्हों का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं, इन्हों का है ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहाँ तक कितनी तरवागे सारे की बिजली पड़ रही है। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में गणा तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करण का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद नवम दसम एकादश और द्वादश अध्याय ये सारे मिलावट हैं। नवमें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और नौवां दसवां और ग्यारहवां और बारहवां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए तेरहवां अध्याय, इसमें तेरहवें अध्याय के प्रथम से लेकर छह श्लोक प्रक्षिप्त हैं, ये तो मिलावट से बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का चौदहवां अध्याय, चौदहवें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त हैं बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसने पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय पंद्रहवा अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेरे अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी इसने तो इसी मोटी बनाई थी, या बालक पर भी ना उठे यू चला ठीक है, इसने बना दिया कॉमिक्स नौकैया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की, वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर, उसे कहा भी तू बढ़िया मकान बना दे राजा का और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कदे मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है, वो लिया बढ़िया अपने लकड़ी सतीर लिया बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के,
एक बहुत बढ़िया सैतीर लिया था, उडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और बहुत सुंदर, और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चिनाई करने। उस कड़ी और सैतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है, और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया कर कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैतने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बनी जाएगी। नोरा जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणिये में कोनी न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा, नोरा जी इसने गुणिये में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाएगा एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। नोबला जी देख चमक गया, और वजीर ने सोचा भाई जमा जी तो बहुत बढ़िया बन गया अभी तक। उसने सोची एक और ने दिखा लो कदे फिर भी चूक रहेगी वो, एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक। अब दो दो इंच वो उतार गया, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, पता लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक। वो भी फंड गया, दो दो इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल उडन बीम की कड़ी बना गई चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पे लठा के। वो गए सतीर ने बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर, वह गए बोला मंत्री जी सतीर बता बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्होंने एक जना जाओ उठाए। अब वो कारीगर ने कह रहा सतीर नहीं लाए तुम, खाली आने लग रहे ब्राइव ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्योंकि सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहां पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोल रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने के कर दिया। नोला रे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ओके करवा दिया। तो इस वैदिक की ताले अंदर सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सत साई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालूराम दास, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, MP से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 22/9/2013 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर भगवान विष्णु और शंकर भगवान की पूजा अर्चना करता था, और इसके अलावा हाँ मैं सिरवी समाज से विलोम करता हूँ, हमारी आई माता है, और जहाँ भी सिरवी समाज के मतलब गाँव है वहाँ एक आई माता का मंदिर है, उस देवी की पूजा अर्चना करते थे। और जहाँ भी मतलब जैसे शिवरात्रि हुई तोरण माल जाना, ओंकारेश्वर जाना, जगह जगह मतलब जाना और भक्ति करना। और जैसे श्रावण महीने में जैसे औरतें उपास रहती थी तो भी उसके साथ में मैं भी उपास रहता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था और खूब भक्ति करता था, वहाँ परिक्रमा देता था जहाँ भी मंदिर हो वहाँ। महाकुंभ में भी जाता था, उज्जैन मतलब सिंहस्थ का मेला था वहाँ भी जाता था, और वहाँ से मतलब कोई को महात्मा को मैं बहुत दुखी था तो महात्मा से बोलता था कि मेरा कैसा होगा, पहले तो गांजे की पुड़िया लाओ ऐसे बताते थे, तो फिर मैं वो गांजे की पुड़िया भी ला के देता था और उनके पेट भी दबाता था। सर इतनी आप भक्ति साधना कर रहे थे, आप व्रत भी करते थे, भूखे रहते थे और बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुआ सर? ये कुछ नहीं लाभ हुआ, मैं तो दिन पर दिन दुखी होता गया। जैसे मेरी पहले तो 2 महीने बीमार हुई, वो मतलब 2 महीने तक मतलब ऐसे बोली नहीं, मेरे को चम्मच से खाना खिलाना पड़ता, मेरे को भी नहीं पहचानती थी वो,
और वो कई करके मतलब जैसे तैसे ठीक हुई तो पिताजी को लकवा मार गया। 2 साल उनको गुजरात बाला सिन्नो और तांत्रिकों के पास ले गए, कोई आराम नहीं लगा और उनकी डेथ हो गई। और पिताजी की डेथ होने के बाद में माताजी को चमड़ी कैंसर हो गया। हम इतनी देवी देवता को पूजा करते हुए भी इतने दुखी थे कि मतलब कोई सुख का तो कोई पूछो ही मत, कुछ हो नहीं रहा था। और फिर उसके 1.5-2 साल बाद में माता जी को भी इंदौर हॉस्पिटल में और तांत्रिक को पास ने सब बताया, पर कोई आराम नहीं लगा, उनकी भी डेथ हो गई इतनी पूजा अर्चना करते हुए भी। और जो बहन थी उसका ऑपरेशन हुआ उसके ससुराल में, तो वो मतलब टाके नहीं जुड़े, उसका पेट जुड़ा ही नहीं है सर जी। उसका जोधपुर में हॉस्पिटल में मतलब ऑपरेशन हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। सर आपने बताया कि आपके माता पिता भक्ति कर रहे थे, आप भक्ति कर रहे थे, और ये भक्ति करते करते आपके माता पिता और यहाँ तक कि आपकी बहन भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए सर? ये सर ऐसा है कि मतलब मेरे छोटे भाई ने प्रवचन सुने, टीवी में देख रहा चैनल बदल के, तो पीली पट्टी पर जो नंबर आ रहे थे उस पर मैसेज कर दिया, तो ज्ञान गंगा हमारे घर आई। मेरे घर में उस किताब को इन खोला, पोस्ट द्वारा आई थी, और ये ज्ञान गंगा पढ़कर मेरे को उत्तेजना हुई कि मैं सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से नाम डाल लूँ। मैंने मतलब 22/9/2013 को बरवाला में जिला हिसार सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ली और मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ उस रोज से। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? इनसे तो सर जी मेरा मतलब बहुत लाभ हुआ, जैसे अस्पताल का खर्च बचा मेरा, और जो बीमारियां थी मतलब वो अब नहीं है, और आराम से भक्ति करते, और मेरे भगतमती को जो मतलब काश्तकार है हम मतलब कमर से झुककर काम करते थे तो उसमें नाक से पानी गिरता था, तो रात में सोते थे तो इतनी छींकें आती थी, 1.5-2 घंटे तक छींक करते थे। तो फिर हमारे साले साहब को पूछा, उनको भी ये शिकायत थी, तो उनका नाम किशन लाल जी है, तो उन्होंने बताया कि भाई तुमको तो ऑपरेशन होगा, नाक में मस्से बढ़ जाते हैं। तो मेरा बॉम्बे हॉस्पिटल में इंदौर में मतलब 4 बार ऑपरेशन हो चुका है, मस्से मतलब ऑपरेशन कराता और मस्से फिर बढ़ जाते, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता था। तो मेरे भगतमती ने बोला कि मैं तो सम्राट की शरण में हूँ, सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की परमात्मा की शरण में हूँ, मैं तो ऑपरेशन तो क्या एक गोली भी नहीं खाऊँ। और सच मानिए सर जी के मतलब उन्होंने एक गोली भी नहीं खाई और आज बिल्कुल भले चंगे हैं। मेरे मतलब शुगर भी थी और वो मतलब सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में आने से वो शुगर भी है, मतलब मेरे को गोली लेने की भी जरूरत थी। पहले मैं ग्लीम स्टार M1 खाया करता था खाना खाने के पहले, अब वो खाने की जरूरत नहीं है। और मेरे जो इन मतलब हड्डियों में दर्द रहता जॉइंट में, मेरे को निरोवियान और एक वो क्या डाइनाफार 2 इंजेक्शन लगते थे 4 रोज में। परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से वो इंजेक्शन भी मेरे बंद हो गए, आज मैं दिन भर काम कर सकता हूँ खेत में। सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से यहाँ आने के बाद में ये नशा पता सब मेरा छूट गया, जबकि इतने कोशिश करने के बावजूद मैं नशे से एक पल भी दूर नहीं रहने पा रहा था। और यहाँ तक कि मैं मतलब बरवाला गया तो रास्ते में ट्रेन में भी बीड़ी पीते पीते गया, और वहाँ मतलब गुरुजी के आश्रम के आगे भी 4 बीड़ी पी, और उसके बाद में जो वहाँ डाला तो आज तक मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। ये उनके सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा हुई परमात्मा की मेरे ऊपर। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या दूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई मैं जितना नशा करता था आज मैंने छोड़ दिया, तो मतलब जो भी नशा करने वाला है, जो भी सही भक्ति अपनाना चाहता है, ये दूसरे के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो वो मतलब आके सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं सर? टीवी पर सत्संग चलता है सदगुरु रामपाल जी गुरु महाराज का, उसमें पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, तो वो मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने मतलब जिले या तहसील में नामदान केंद्र पर अपना नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।